सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि खाद्यान्न उपभोग प्रमाण पत्र हमें कैसे भरना है, प्रेरणा पोर्टल पर हमें कैसे अपलोड करना है, ये प्रमाण पत्र सभी विद्यालयों को भरना है। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि आप अपने विद्यालय का खाद्यान्न उपभोग प्रमाण पत्र कैसे भर सकते हैं, कैसे आप बच्चों की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रेरणा पोर्टल ओपन करना होगा, जिसका लिंक है prerna.up.in। ये लिंक है prerna.up.in, इसको आप ब्राउज़र पर ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है बैंक डाटा अपलोड, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा टीचर लॉगिन। टीचर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मैंने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है यहाँ पर, और आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको एक ओटीपी मिलेगा 4 डिजिट का, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर यू आर ऑलरेडी लॉग्ड विद अनदर डिवाइस, ओके। डू यू वॉन्ट टू लॉग आउट, ओके। यू हैव लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, ओके। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू लॉग इन। तो जब आप लॉग इन कर देंगे तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर स्टूडेंट, गार्जियन, बैंक, एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म्स, आपको यहाँ पर अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण, जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण, सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि का विवरण, आप यहाँ से डाटा फीड कर सकते हैं। और आपको डाटा देखना है तब आपको ये देखिए, यानी कि ये 2019-20 का डाटा है। हमारे स्कूल में 71 बच्चों का डाटा हमने दिया था, तो आप ये यहाँ पर पूरा डाटा देख सकते हैं और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो गई है, तो आप यहाँ से बच्चों का डाटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमने यहाँ पर सेव कर लिया, इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं खाद्यान्न उपभोग प्रमाण पत्र हमको कैसे भरना है। इसी तरीके से आप जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 203 बच्चों का डाटा दिया था, तो वो ये सारे बच्चे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, कक्षा 1 से 8 तक, क्योंकि हमारा विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है, तो आप ये पूरा डाटा बच्चों का यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चे का नाम, अभिभावक का नाम, खाता संख्या, बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम और धनराशि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं और इनको वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख लेंगे, अगर इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये देखिए सितंबर से फरवरी, तो 203 बच्चों का डाटा अपलोड होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन अभी हमारे द्वारा कोई डाटा अपलोड नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं खाद्यान्न उपभोग प्रमाण पत्र, ये देखिए यहाँ पर अभी कुछ भी डाटा शो नहीं कर रहा है हमारे। अब ये देखिए विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, यहाँ पर दिनांक 24/3/2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत रुपए में, तो यहाँ पर 24/3/2020 तक कितनी परिवर्तन लागत उपलब्ध थी वो भर देना है। यहाँ पर दिनांक 24/3/2020 को उपलब्ध खाद्यान्न, तो आपको खाद्यान्न कितना मिला था 24/3/2020 तक, वो यहाँ पर भर देना है। अब यहाँ पर आगे है वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि, तो वो धनराशि आपको यहाँ पर भर देनी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर भर देनी है। अब ये देखिए लॉकडाउन की अवधि में छात्रों को FSA वितरण की स्थिति, 76 दिन अप्रैल से जून, तो यहाँ पर पहले कॉलम में आपको बच्चों की संख्या भरनी है, दूसरे में वितरण की गई धनराशि भरनी है, और तीसरे में वितरित किया गया खाद्यान्न भरना है। इसी तरीके से जुलाई से अगस्त 49 दिन का डाटा आपको यहाँ पर भरना है, बच्चों की संख्या, धनराशि और वितरण किया गया खाद्यान्न गेहूँ चावल, वो यहाँ पर भर देना है।
उसी तरीके से आपको सितंबर से 28 फरवरी 138 दिन का डाटा भरना है। प्राथमिक विद्यालय के लिए है ये, एक कॉलम इसमें प्राथमिक विद्यालय के लिए है और एक कॉलम उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए है, तो आपको ये डिटेल्स भी यहाँ पर भरनी है। इसके बाद जो नीचे दे रखा है वो दे रखा है विद्यालय खुलने के उपरांत MDM वितरण की स्थिति, नीचे दे रखा है विद्यालय, यहाँ पर 124 दिन का डाटा देना है हमको उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए, और ये जो डाटा है वो सितंबर से 28 फरवरी तक का है। अब ये देखिए यहाँ पर दे रखा है विद्यालय खुलने के उपरांत MDM वितरण की स्थिति, यानी कि जब विद्यालय खुल गए थे उसके बाद MDM का वितरण कैसे हुआ है विद्यालय में, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। कार्य दिवस 24 दिवस प्राथमिक विद्यालय के लिए, बच्चों की संख्या जिन्हें MDM वितरण किया गया, वितरण की गई धनराशि, धनराशि परिवर्तन लागत के अनुसार कितनी है, और वितरण किया गया खाद्यान्न, तो वो खाद्यान्न कितना है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक विद्यालय की भरनी है, दिनांक 31/3/2021 को अवशेष परिवर्तन लागत, तो परिवर्तन लागत कितनी अवशेष है, और दिनांक 31/3/2021 तक खाद्यान्न कितना बाकी है, ये डिटेल सारी भर के आपको सेव कर देना है। तो इस तरीके से